सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं जैशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेरे सदारत एक्निक का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। एक्निक का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ फंड्स मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। इन मंसूबों में कराची वाटर सप्लाई के 4 फेज़ 1 का प्रोजेक्ट शामिल है। इस मंसूबे पर 25 अरब रुपये से ज़्यादा की लागत आएगी जबकि कराची को इस मंसूबे से 260 मिलियन गैलन इजाफी पानी भी सप्लाई हो सकेगा। इसके अलावा दीगर मंसूबों में सिंध सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट का मंसूबा भी मंजूर कर दिया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक मंसूबे के लिए 16 अरब रुपये भी फराहम करेगा, वजारत ख़जाना की जानिब से ये बताया गया है। जबकि बलूचिस्तान में 100 छोटे डैम भी तामीर किए जाएंगे और इनके लिए भी फंड्स की मंजूरी दी गई है। एक्निक का यह खसूसी इजलास हुआ है वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेरे सदारत जिसमें मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है और खसूसी तौर पर कराची को पीने के साफ पानी की सप्लाई के लिए K4 का मंसूबा जो कि काफ़ी अरसे से अल्तवा का शिकार है उसके लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से कराची को 207 मिलियन गैलन इजाफी पानी सप्लाई हो सकेगा जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट भी मंजूर कर लिया गया है। और महंगाई के सुनामी में हिचकियां लेते आवाम की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान आ गया। सुर्ख मिर्च, अचार, मशरूबात, मसाला जात, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर सब कुछ महंगा हो गया। सूरत हाल पर शहरी फट पड़े। तफसीलात नबील मलिक की रिपोर्ट में। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब की जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। सस्ती अशिया के हसूल के लिए शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया तो हुकूमत ने वहाँ भी महंगाई का बम गिरा दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम मिर्च पाउडर की कीमत 50 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के अचार की कीमत 60 रुपए बढ़ गई। मशरूबात की बोतल में 30 रुपए इजाफा हो गया। मसाला जात की कीमत 40 रुपए बढ़ा दी गई। शैम्पू की बोतल 11 रुपए और वॉशिंग पाउडर का पैकेट 5 रुपए महंगा हो गया। यूटिलिटी एक था जिधर मुनासिब रेट थे, अभी उसका भी बढ़ गया तो फिर तो आवाम के साथ जाती है ना। हुकूमत को चाहिए ना इस तरह नहीं करनी चाहिए। एडी चंगी चीनी उत्थे मिलती होंगी सी पहले, हूँ बरीक चीनी है ये भी हूँ असं खाने तो रह गए हैं तो यह भी 10-15 रुपये बद गई, घ्यो भी बद गया, हर शाय बद गई। 500-600 रुपये दिहाड़ी, कदे दिहाड़ी लगती कदे नहीं लगती, दसो जी असं हूँ की करिए। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा, चीनी और घी पहले ही नापैद है। दस्तियाब अशिया भी महंगी करके आवाम की मुश्किल बढ़ा दी गई हैं। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना 12वें रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हक नहीं मिलता चेयरमैन स्टील मिल्स के घर का मुहासरा खत्म नहीं करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं, तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर अपडेट कीजिएगा। स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं 4,500 मुलाजमीन की जानिब से आज एहतजाज का 12वां रोज़ शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 12 रोज़ हो चुके हैं और मुजाहिरीन जो स्टील मिल्स के चेयरमैन हैं उनके घर के सामने आज धरना देकर बैठे हुए हैं। आज 12वें रोज़ का आगाज़ हो गया और मुजाहिरीन इस वक्त भी यहाँ पर सोने की तैयारी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुजाहरे में खवातीन बच्चे भी ताहाल शरीक हैं। जो गुज़िश्ता 12 रोज़ से घर नहीं गए हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाते पीते हैं। वक्फे वक्फे से हुकूमत मुखालिफ तकरीरें जारी रहती हैं और कुछ सियासी रहनुमा आते हैं जो इनसे वादे भी करते हैं, उनको यकीन दहानी कराते हैं। मुजाहरीन ये कहते हैं कि अब वो किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की यकीन दहानी को नहीं मानेंगे जब तक उन्हें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि जो उनके 4 रुकनी मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मुजाहरीन ने यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो वो भी यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और जो स्टील मिल्स के चेयरमैन हैं उनके घर का मुहासरा जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे जिनके लिए एजेंडा जारी कर दिया गया। जॉइंट अपोजिशन का अहम इजलास भी आज 10 बजे अपोजिशन चैम्बर में तलब कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा कौन से मामलात जेरे बहस आएंगे इन इजलासों में। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास आज होगा जिसमें का एजेंडा जो जारी हुआ उसके मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी के क्याम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तरमीमी बिल वजीर दिफा और पैदावार पेश करेंगे। एंटी रैप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल तरमीमी ऑर्डिनेंस भी वहाँ में पेश किया जाएगा जबकि फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस भी वहाँ के सामने रखा जाएगा। इसी तरह एशिया खुरदोश के हवाले से तजवीजा दिलाऊ नोटिस भी कार्रवाई का हिस्सा रहेगी, वफा सवाल का हिस्सा भी होगा। जबकि उसके साथ ही साथ सेनेट इजलास में कायमा कमेटियों की रिपोर्ट पेश होंगी। सेनेट में पाकिस्तान के मौशी सूरतेहाल पर स्टेट बैंक की साल 2020-21 की पहली से माही रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही साथ सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से ज्वाइंट अपोजिशन का अहम इजलास
आज दिन 10 बजे अपोजिशन चैम्बर में तलब किया गया है, जिसमें अपोजिशन जमातों के पार्लियमानी लीडरान शरीक होंगे। इजलास में सेनेट और कौमी असेंबली इजलास से मुतल्लिक मुशावरत होगी, और इजलास में कौमी असेंबली और सेनेट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तहरीके इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। तहरीके इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी को तमाम रिकॉर्ड दे दिया, पीटीआई के मुखालिफीन के पास अपनी सफाई में कुछ नहीं। वो 24 न्यूज के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने 24 वॉल्यूम जमा करवाए इलेक्शन कमीशन को, मेरा भाई 24 वॉल्यूम, जिसमें से 14 वॉल्यूम तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स के हैं जिसमें डोनर्स का रिकॉर्ड है। मुझे आप बताएं कि कौन सी सियासी जमात है जिसने इस तरह मेंटेन किया? आपको पता है यहाँ पर सियासी जमातें किस तरह फंड्स लेती थी? जो शहबाज शरीफ का केस उठाए ना, परफेक्ट टीटीओ का केस, किस तरह ठेकेदारों से किकबैक्स ली, इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते थे। हमारी जो फंड रेजिंग का सिस्टम है, हमारे $10 पेइंग मेंबर्स हैं, हमारे जो फंड रेजर बाकायदा पोलिटिकल फंड रेजर होते थे, जितने एक्सपर्ट्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। हमने तो जो है एक पोलिटिकल फंड रेजिंग का कंसेप्ट दिया है जो कि साफ और शफाफ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला भी मौखर कर दिया। मार्च अब फरवरी की बजाय मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा। लॉन्ग मार्च ताखीर का शिकार क्यों हुआ, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया। तफसीलात उस्मान खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेरे तमाम हुकूमत मुखालिफ मार्च फरवरी के आगाज पर शुरू होना था। ज़राए के मुताबिक फरवरी में सर्दी ज्यादा होगी, कारकुनान के लिए मुश्किलात होंगी और मार्च में सेनेट इंतखाबात हैं, उसकी तैयारी भी लॉन्ग मार्च के बायस नहीं हो सकेगी, जिसके बायस लॉन्ग मार्च को मुअख्खर कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम सेनेट इंतखाबात में भरपूर तरीके से उतरना चाहती है। अगर फरवरी में मार्च हुआ तो उनकी सेनेट इंतखाबात की तैयारी नहीं हो सकेगी। पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात के बाद पहले मार्च करेगी और इख्तिताम पर इस्तीफा का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। उस्मान खान 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को वजीर आजम कहना जुर्म करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान को दुश्मन मुल्कों ने पैसा दिया, इसराइल और भारत ने फंडिंग में हिस्सा डाला। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने लंदन में जैक गोल्डस्मिथ के लिए इलेक्शन मुहिम चलाई, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तो सबसे आगे मदरसे के तलबा होंगे। वो कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे। कहा कि फजल रहमान को मौलाना कहना जुर्म है, मैं तो कहता हूं तुम्हें वजीर आजम कहना जुर्म है। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा जहां दूसरी दुनिया से आया था, वहां पाकिस्तान दुश्मन दो मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल से। जैक गोल्डस्मिथ जमायमा का भाई, वो इलेक्शन लड़ रहा था, इमरान खान उसके कंपेन के लिए चला गया। आपको पता है वो किस तंजीम का नुमाइंदा था? कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, CFI का नुमाइंदा। आप तस्वीरें देखें, आप उसके स्टेज के लोगों को देखें, पीछे से उसके लोगों पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नब्बासी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं बैतुल मक़दस का सौदा नहीं होने देंगे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देकर मफाद हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन चोरी करके ऐसी हुकूमत लाई गई जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। वो कराची में मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे। जिसने अवाम को महंगाई दी, जिसने अवाम को बेरोजगारी दी, जिसने पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ के अलावा कुछ ना दिया। और इस हुकूमत को लाने के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया। ये कड़ियां आपस में मिलती हैं। जब कोई मुल्क कमजोर होता है आप उससे कोई सौदा भी करवा सकते हैं, लेकिन पीडीएम ने यह तहैया किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्यादत में कि इंशाअल्लाह हम इस निजाम को भी दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालेंगे और कभी भी फलस्तीन का बैतुल मुकद्दस का सौदा कभी नहीं होने देंगे।
और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और फलस्तीनियों का रिश्ता किसी से ढका छुपा नहीं। इसराइल को तस्लीम करने की बात होगी तो सब मुखालफत करेंगे। इमरान खान ने कहा था कि मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। वो कराची में मिलियन मार्च से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फलस्तीनियों का जो एक ताल्लुक रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फलस्तीनियों की मर्जी के खिलाफ कोई उनके ऊपर फैसला मुसलत करने की बात आएगी तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान, चाहे वो सियासी तौर पर किसी भी जमात से वाबस्ता हो, वो एक आवाज होकर कहेगा ना मंजूर, ना मंजूर इसराइल, ना मंजूर। आप तो कश्मीर पे होने वाली सौदेबाजी को भी नहीं मानते। आज कश्मीर ये लाख कह लें कि हमने कुछ नहीं किया, ये सौदेबाजी कश्मीर पे कर चुके हैं। ये शख्स जिसको हम समझते हैं कि ये मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट था, ये वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जिसने कहा कि अगर मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। तो जिन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया उनसे कोई बईद नहीं है कि वो फलस्तीनियों के जज्बात का भी सौदा करेंगे। कौंसल जनरल ईरान मोहम्मद रजा नाजरी और डीजी खाने फरहंग ईरान लाहौर जाफर उनास ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात में गए। मोहम्मद रजा नाजरी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के असद साही न्यूज़ रूम का भी दौरा किया और स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ एडिटर 24 डिजिटल और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियाँ ताहिर, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुरम कलीम ने कौंसल जनरल को मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी। मोहम्मद रजा नाजरी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के न्यूज रूम और वहां काम करने के सहाफती अंदाज को बेहद सराहा। मोटरवे पुलिस सेंट्रल जोन लाहौर में नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ की भर्ती का अमल मुकम्मल हो गया। डीआईजी सेंट्रल जोन डॉक्टर मजहरुल हक काकाखेल ने तायुनाती के अहकाम जारी कर दिए। खवातीन, अकलियती और खसूसी अफराद के कोटे पर 24 उम्मीदवारों की तायुनाती की गई है। डीआईजी डॉक्टर मजहरुल हक काकाखेल का कहना है कि मोटरवे पुलिस में भर्तियों और तायुनातियों का अमल शफाफ तरीन होता है। उम्मीदवारों की सिलेक्शन में मौजूद उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरर और तबादले कर दिए गए। कमिश्नर लीगल कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर अतिया अली खान का तबादला कर दिया गया। ग्रेड 20 की अतिया अली खान अकाउंटेंट मेंबर अपलर ट्रिब्यूनल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लाहौर तायुनात कर दी गई हैं। ग्रेड 19 के डायरेक्टर पंजाब ऑडिट लाहौर शाहिद रहमान का भी तबादला हो गया। शाहिद रहमान की खदमात 2 साल के लिए डेपुटेशन पर पंजाब हुकूमत के सपोर्ट कर दी गई। ग्रेड 17 के नवाब खान सेक्शन अफसर एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल तायुनात कर दिए गए, जबकि पिम्स की मेडिकल अफसर ग्रेड 17 की डॉक्टर आरिया सलीम की खिदमात महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के सपोर्ट कर दी गई हैं और इन तकरर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की आला तालीम याफ्ता ख्वाजा सरा नौकरी के लिए क्या कानूनी जंग लड़ रही हैं? पीपीएससी ने ख्वाजा सरा फैजी को क्यों रिजेक्ट किया? फैजी कितना पढ़ा लिखी हैं ये जानते हैं। ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त हम टोबा टेक सिंह के उस ट्रांस जेंडर के पास मौजूद हैं जिसका नाम फयाजुल्ला है और इनको फैजी के नाम से पुकारा जाता है और इस वक्त पंजाब में खास तौर पे जो ट्रांस कम्युनिटी है उसके हकूक के लिए इन्होंने आवाज़ बुलंद की है और इनका केस ये है कि इन्होंने इंतहाई ये क्वालिफाइड है, एमफिल इन्होंने उर्दू में किया है। मैंने एमफिल का मकाला जमा करवा रखा है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बाउनवाने फरहंगे इस्तलाहात ख्वाजा सरा मा मुकदमा तौज़ीहात। मैंने वफाकी मोहतसब का इदारा था वहाँ पर मैंने दरख्वास्त दी है। उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक का इदारा है वहाँ पर दरख्वास्त दी है। उसके बाद मैंने डीसी टोबा टेक सिंह को दरख्वास्त दी है लेकिन अभी तक मुझे कहीं से कोई जवाब जो है वो नहीं आया। ये जो पीपीएससी का है ये सिर्फ मेल और फीमेल की है। वेयर्स ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट पोस्ट। फैजी अपने हक के लिए किस हद तक कामयाब होती है, लाहौर हाई कोर्ट इसके लिए क्या फैसला करते हैं इसका इंतजार। वकार बहुत शुक्रिया आपका। अहमदपुर सियाल में सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 340वें उर्स की दो रोज़ा तकरीबात जारी हैं। उर्स की तकरीबात में मुल्क और बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन शरीक हैं। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए।
अहमदपुर सियाल में सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के 340वें उर्स की दो रोजा तकरीबात जारी हैं। आपका विसाल शकम जमादी उल सानी 1102 हिजरी को हुआ। उर्स मुबारक हर साल जमादी उल सानी की पहली जुमरात और जुम्मा को मनाया जाता है। उर्स की दो रोजा तकरीबात में मुल्क समेत बैरून ममालिक से भी जायरीन शिरकत करते हैं। जायरीन का कहना है कि उर्स की तकरीबात में शिरकत करके दिली सुकून हासिल करते हैं। हमारी अकीदतों का मरकज दरबार आली हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है और हम हर साल इस दरबार मुकद्दस पे हाज़िर होते हैं और इसलिए हाज़िर होते हैं कि यहाँ पर जब हम आते हैं हमें दिली सुकून भी मिलता है, हमारी दुनियावी मुरादें भी पूरी होती हैं। ज़ायरीन दरबार पर हाजिरी के साथ साथ कुरान खानी भी करते हैं। दरबार के अहाता में नात व कलाम, नात व कलाम बाहू की महफिल बिछ जाते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि कलाम बाहू पढ़कर दिली सुकून मिलता है। उर्स की तकरीबात के दौरान इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम ज़ायरीन की सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस बुलेटिन से इतना ही।